Oh God. Guys, मुझे एक रास्ता मिल गया है नतालिया को दूर रखने का। कैसा रास्ता? आग। नतालिया की आत्मा आग से डरती है। अगर तुमने नोटिस किया होगा कि जब ब्लास्ट हुआ था तो उसकी आत्मा वहां से गायब हो गई थी, क्योंकि नतालिया की मौत आग में जलकर हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा आग से डरती है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? कि ये कोई परमानेंट हल नहीं है। इससे हम उसकी आत्मा को डरा सकते हैं, उसे परेशान कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, लेकिन हम उसकी आत्मा को शांत नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने उसकी आत्मा को शांत नहीं किया तो वो तुम दोनों को, मुझे और न जाने कितने मासूम लोगों को मार देगी। ओह शिट। ओके ओके, काम डाउन, कुछ नहीं होगा। काम डाउन, सी आराम से, आराम। प्लीज बी केयरफुल। तुम इधर आओ। बॉस, आप क्या ये सब? बॉस, तुम लोग बिना मुझे बताए हुए, बिना मेरी परमिशन के केशवगढ़ की हवेली चले गए। वहां पर नतालिया की आत्मा को आजाद करवा दिया। उस खौफनाक हमले में हमारी टीम के मेंबर मारे गए। क्यों किया तुमने ऐसा? Just tell me why? सर, सर, मैं तो एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की तलाश में थी। सर, सर, मैं आज तक केशवगढ़ की हवेली ही नहीं गई हूँ, और ना ही कोई मेरा इरादा था वहाँ पे शूट करने का। ये तो बस मुझे एक फोन आया, मुझे बोला गया वहाँ जाकर शूट करो, और उसी में रौनक और मयूर मारे गए। ये तो सर मेरी किस्मत है कि मैं उस दिन होटल में उनका वेट कर रही थी और मैं बच गई। सर, सर, मुझे एक औरत मिली थी और वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। सर, वो उसी ने मुझे कहा था और वो ही मुझे उकसा रही थी कि मैं वहाँ जाकर मैं शूट करूँ, और वो पैसे तक देने को तैयार थी। सर, मैं नहीं जानती वो कौन थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। वो बस हमारे पीछे पड़ गई कि हम जाके शूट करें। सर, मुझे नहीं पता था मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है उस आत्मा को आजाद करने के लिए। सर, वो औरत ही इसके पीछे, कौन थी वो औरत? कौन थी वो औरत? तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया उसने? सर, मुझे लगता है उसने कोई मेरा टीवी शो देखा और उसने मुझे वहीं से कांटेक्ट किया। सर, उस औरत को ढूंढने के साथ साथ हमें राज परिवार के मेंबर्स को भी बचाना होगा। सर, ये तो भी उसी परिवार के हैं। सर, हमें इन्हें बचाना होगा। ओ गॉड, क्यों लेकर आई तुम्हें यहाँ पर? लगता है नतालिया की आत्मा यहाँ पर आ गई है। आ गई वो? ओ गॉड, पीछे चलो, पीछे चलो। लाइटर है? लाइटर, लाइटर। ये कौन? कैंडल्स है क्या? ले क्या? हे भगवान, हे भगवान, सिया, जल्दी भागो, चलो, चलो, जल्दी, चलो, जल्दी सिया, चलो, 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 अनुष्का, चलो। दीदी, चलो अनुष्का। अनुष्का, दीदी, मतलब नतालिया मेरी सगी बहन है, मेरी बड़ी बहन। उसको सारी उम्र एक कमरे में कैद करके रखा गया, एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह रखा गया, क्योंकि क्योंकि इसलिए वो बीमार थी, या क्योंकि उसके माँ बाप मर गए थे। हमारे चाचा चाची, सारे कजिन, सब ने उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। क्यों? और अगर वो इस सब का बदला ले रही है तो क्या गलत कर रही है?
हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन करवाया था। मैं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से नतालिया की आत्मा हवेली से आजाद हो जाए, और वो हुआ। मैं वहां नहीं जा सकती थी क्योंकि जो भी वहां जाता नतालिया की आत्मा उसे मार देती। और वो औरत जो मुझसे मिलने आई थी, वो हमारी नानी है, हमारी नौकरानी। मेरे ही कहने पे उसने ऐसा किया। तुम्हें क्या लगता है अनुष्का, तुम्हें नतालिया की आत्मा छोड़ देगी? जैसे उसने बेगुनाहों को मारा है, वो तुम्हें भी मार देगी। शिवल, कैन यू थिंक अबाउट इट? मैं जानती हूँ, क्योंकि जब आपके बंगलों पे आई थी मैं समझ गई थी कि वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अनुष्का, तुम्हें अब हमारी मदद करनी होगी। हमें नतालिया की आत्मा को फिर से उसी ज्वेलरी बॉक्स में बंद करना होगा जहाँ से बेचारे रौनक ने उसे आजाद किया था। हम नतालिया की आत्मा को हवेली में रखे ज्वेलरी बॉक्स में कैद कर सकते हैं, पर वो तभी होगा जब हम उसे ज्वेलरी बॉक्स में आने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हम ये सब कैसे करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ करते हैं। ये मौसम फिर से बदल रहा है ना? बुरा होगा या बुराई का अंत होगा? अर्जुन, अर्जुन रुको, उसे लग जाएगी। अरे तुम भूल रही हो, वो एक भूत है, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कोई चोट नहीं लगेगी। अनुष्का, हमें यहाँ नहीं रुकना है। अर्जुन तुम चलो, अर्जुन चलो, जल्दी चलो। अर्जुन जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना है वहां पे। या या या, come on, come on, come on. जल्दी गाइस, गाइस हेल्प मी, जल्दी, लेट्स गो, लेट्स गो, जल्दी करो। अर्जुन, अनुष्का, तुम दोनों को प्लान तो पता है ना? हमें अपने प्लान के मुताबिक चलना है, ओके? गाइस, गो अहेड, जाओ 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 जाओ। अनुष्का, ये लो, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है, राइट? जाओ। अब पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। मैं ही हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी उन्हें, समझे तुम? Thank you.
बहुत हुआ। ये खेल हमसे शुरू हुआ था और हम ही से खत्म होगा। सिया को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, मुझे। अर्जुन!